सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई न्यू अनोदर वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप ब्लॉगर पे किस तरीके से एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ब्लॉगर पे ब्लॉग लिख के बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, कि आप एक ब्लॉगर पे फ्री वेबसाइट बना सकते हैं एंड वहां पे एक SEO फ्रेंडली ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं जो बहुत ही जल्दी लोगों तक उसके जो है इंप्रेशन जाने लगे, ताकि लोग उस पर क्लिक करें, क्लिक करके आपके पेज व्यूज आए एंड वेबसाइट पे विजिट आए, ताकि आपको बहुत अच्छी खासी कमाई हो। और मैं आज इस वीडियो के अंदर ही आपको बता दूंगा किस तरीके से आप अपने एक ब्लॉग के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, उसके लिए सर्च डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं एंड उसके लिए कहां से टैग्स वगैरह लाएंगे, किस तरीके से एक SEO फ्रेंडली फुल SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे ताकि बहुत जल्दी वो इंडेक्स हो और लोगों तक उसके इंप्रेशन जाएं। तो इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे कि एक अच्छे ब्लॉग के अंदर कितने ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए एंड एक ब्लॉग के अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए, ताकि उस ब्लॉग पोस्ट पे या फिर उस वेबसाइट पे बहुत जल्दी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। कितनी पोस्ट लिखने के बाद आपको जो है अप्लाई करना है एडसेंस के लिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें एंड फिर हम बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको अपना जो है वेबसाइट उसको दिखा देता हूं, उसके बाद में मैं अपना ब्लॉगर के अंदर एडिटर के अंदर चलेंगे, वहां पे दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस के साथ में कि किस तरीके से आपको हेडिंग, सब हेडिंग, कितने वर्ड एंड क्या कुछ, किस तरीके से फोटोग्राफ लगा के, लिंक लगा के किस तरीके से एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, उसकी सर्च डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनानी है, वो चीज भी जानेंगे। सबसे पहले यहां पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है, यहां पे मैंने अपना जो है वेबसाइट ओपन करके रखा है। मेरा जो वेबसाइट है ब्लॉगर पे वो mknowledge.co.in। अभी यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सबके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप इसको विजिट कर सकते हैं, या तो आपको लिंक नीचे वीडियो में मिल जाएगी या फिर डायरेक्टली आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे mknowledge.co.in तो मेरा ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको डिजाइन करके रखा है, ऊपर इसके अबाउट अस वगैरह के पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड उसके नीचे यहां पे अलग अलग कैटेगरीज आपको दिख जाती हैं। फिर मैंने यहां पे अपनी पोस्ट है जो वो अरेंज करके रखी है एंड यहां पे आपको कुछ एड्स भी शो हो होंगे, इस तरीके से एड वगैरह भी लगा सकते हैं आप। कुछ एड मैंने यहाँ पे एडस्टेरा से लगाए हैं एंड कुछ यहाँ पे मैंने जो है एड्स लगाए हैं अपने एडसेंस से। तो वो सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको डिजाइन वगैरह करनी है अपनी एक न्यू वेबसाइट, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ से मैं इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो स्पेसिफिक दे दूंगा एंड और भी वीडियोज चैनल पर हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये सब कुछ देख लिया है, अब हम सीधा चलते हैं अपने ब्लॉगर एडिटर के अंदर, यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक पोस्ट है जो मैंने राइट करके रखी है, एडस्टेरा नेटवर्क रिव्यू, यानी कि एडस्टेरा एक ऑनलाइन एडसेंस की तरह ही एक अल्टरनेटिव ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, जहां से आप अपनी वेबसाइट पे जो है एड लगा के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और प्लस में आप एडसेंस से भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए एडस्टेरा के लिए कोई क्राइटेरिया आपको नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि किस तरीके से कौन से 10 ऐसे तरीके हैं कि आप इससे पैसा कमा सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आप लैपटॉप की डिस्प्ले पे, यहां पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब सबसे जो पहला काम है आपका वो यहां पे है, सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा होगा टाइटल, आपका टाइटल एकदम सुटेबल ऐसा होना चाहिए। आपको सोचना है कि आप अगर किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं जिस पे आप टॉपिक लिख रहे हैं, कि आप उसको किन किन नामों से सर्च कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं उससे रिलेटेड, एंड वो चीज़ आप एक बार सर्च में जैसे यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे टाइटल दे रखा है, इसको मैं फुल यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आऊँगा, अब यहाँ पे मैं इसको सर्च में डालूंगा, सर्च में पेस्ट करेंगे और सर्च में पेस्ट करने के बाद में जैसे मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैसे हमने एडस्टेरा के बारे में जानना है, तो यहाँ पे एडस्टेरा यहाँ पे लिखेंगे जैसे, तो यहाँ पे एडस्टेरा से रिलेटेड जैसे नीचे चीज़ें आएंगी, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप उठा सकते हैं या फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसे स्पेस देंगे, यहाँ पर जैसे आपको जो उसके बारे में अर्निंग के बारे में डिटेल देनी है तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे एडस्टेरा पेमेंट प्रूफ। जैसे मान लीजिए आपको बताना है एडस्टेरा के पेमेंट प्रूफ ये देता है पेमेंट या नहीं देता है, क्या सिस्टम है, तो यहां पे आपको कुछ चीजें वो मिल जाएंगी जो लोग सर्च करते हैं। अब यहां पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको पीपल आल्सो आस्क, लोग क्या जानना चाहते हैं, आपने जो चीज सर्च की है उससे रिलेटेड लोग क्या जानना चाहते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज द मिनिमम पे आउट फॉर एडस्टेरा, तो आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं एडस्टेरा पे कि जैसे मिनिमम पे आउट कितना देता है, कि आप कितना डॉलर होने के बाद में एडस्टेरा में
अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से आप एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। और इन जो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए जो टॉपिक पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पे पीपल आल्सो नो या फिर पीपल आल्सो आस्क लिखा आएगा, जो चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, हाउ मच एडस्टेरा पे फॉर, मतलब कि 1000 व्यूज़ पे एडस्टेरा इंडिया के अंदर क्या पे कर रहा है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से सारे ऐसे कॉपी कर लेंगे और इनको एक नोट पैड में आपको जो है कोमा के साथ, हर के पीछे, सभी के पीछे कोमा लगाना है, एंड नोटपैड के अंदर इसी तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स जो है कॉपी कर लेने हैं अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन के लिए। अब ये काम हमारा यहां पे हो गया है और यहीं से आपको इन्हीं से ही आइडिया लेना है कि क्या चीजें लोग जो है सर्च कर रहे हैं, तो उस चीज से रिलेटेड ही आपको जो है टाइटल देना है। अब हमारा टाइटल का काम हो गया है एंड उसके बाद में नीचे आपको जो सर्च डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है, यहाँ पे वो काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने दो काम कर लिए हैं, स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। अब बात रह गई है कि आपको आर्टिकल लिखना चालू करना है। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए अब ये मेरा जो टाइटल देखे, मेरा जो टाइटल था मेरा एडस्टेरा नेटवर्क रिव्यू, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एडस्टेरा, 10 एडस्टेरा अर्निंग वेज, ऑनलाइन पैसा कमाने का, ऑनलाइन जो है एडस्टेरा से ऑनलाइन पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं, कितने ऑप्शन हैं, एंड यहाँ पे मैं 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप 10 तरीकों को यूज करके एडस्टेरा से पैसा कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि एडस्टेरा है क्या, क्योंकि लोग अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट तक पहुँच जाते हैं या फिर आप कहीं पर शेयर करते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपकी एक नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट के अंदर 1500 या फिर 1000 वर्ड से 2500 वर्ड तक के वर्ड होने चाहिए, तभी आप 20 से 25 पोस्ट होने पर अपनी एक ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट लिखनी पड़ेंगे फिर जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कम से कम 1500 या फिर 2000 के आसपास वर्ड रखने हैं एक पोस्ट के अंदर। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप रिव्यू कर रहे हो, जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, जो पॉइंट है आपका मेन पॉइंट, उसके बारे में डिटेल देना। जैसे हमने यहाँ पे लिया है व्हाट इज एडस्टेरा, फर्स्ट हमारी जो है मेन हेडिंग व्हाट इज एडस्टेरा, जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि एडस्टेरा क्या है। अब मैंने यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखा कि एडस्टेरा इज ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड वेरियस एड्स एंड फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग नेटिव एड्स, पुश नोटिफिकेशन, डिस्प्ले एड्स, डायरेक्ट लिंक्स टू पब्लिशर्स वर्ल्ड वाइड, एडस्टेरा डायरेक्ट लिंक एड, मोनेटाइजेशन ऑप्शन दैट अलाउ पब्लिशर टू मोनेटाइज देयर ट्रैफिक बाय रीडायरेक्टिंग इट टू एन ऑफर और प्रोडक्ट पेज। कि आप किसी ब्लॉग पर, इन दिस ब्लॉग पोस्ट वी विल डिस्कस द टॉप 10 अर्निंग वेज ऑनलाइन एडस्टेरा डायरेक्ट लिंक, हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ से एडस्टेरा एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप कई तरह के अलग अलग एड्स लगा के जो है अपने वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा काम यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को एक सुटेबल एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक अच्छा सा जो है इमेज आपको एक बना लेना है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एडस्टेरा का रिव्यू क्या है एंड किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाने का जहाँ नाम आ गया, तो मैंने यहाँ पे एक जो है फोटोग्राफ बना लिया है अपने पास से। आप कॉपीराइट इमेज यूज़ ना करें, अगर आपको वो करनी है तो उनके लिए मैं अलग से कॉपी पेस्ट का एक तरीका बता के वीडियो बना दूंगा, एंड ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे है चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट की, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप एडस्टेरा का मैंने एक जो है अच्छा सा यहाँ पे पोस्टर बना के लगा दिया है, इस तरीके से एक पोस्टर ले सकते हैं। फिर उसके बाद में ज्वाइन एडस्टेरा का मैंने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे आप ये यूज करके आप यहाँ पे जो है एडस्टेरा को ज्वाइन कर सकते हैं मेरी लिंक से, ताकि मेरी लिंक से, रेफरल लिंक से कोई भी ज्वाइन करेगा तो वो भी पैसे कमाएगा, तो मैं भी उसका कुछ 5-10% रेवेन्यू मुझे शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, अब हमारी ब्लॉग पोस्ट है जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आप जो है अपनी वो लगा देंगे लिंक। अब लिंक लगाना बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए आपको लिंक लगानी है, तो लिंक लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जो आपको दिखाना है, जैसे क्लिक हेयर, डाउनलोड, ज्वाइन हेयर, यहाँ पे वो लिख देंगे, उसके बाद में जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ओपन ए न्यू विंडो करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे इस तरीके से आपकी ब्लू कलर में लिंक का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके एडस्टेरा अकाउंट पर या फिर जो आप एफिलिएट लिंक देंगे उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, चाहे तो आप
अमेजोन एफिलिएट सिस्टम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, परचेज करा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद में नीचे आएंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एडस्टेरा, एडस्टेरा से पैसा कैसे कमाएं। अब आ गया पॉइंट हमारा एडस्टेरा का, पहले बारे में बताया क्या पॉइंट क्या जो है सिस्टम, उसके बाद में आपको हेडिंग, आपको मेन हेडिंग के बाद में सब हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट के अंदर, चाहे वर्ड प्रेस पे हो चाहे ब्लॉगर पे, उसके अंदर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स जरूर होनी चाहिए, और वो भी सबकी अलग अलग क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे अब बात करेंगे एडस्टेरा से पैसा किस तरीके से कमाएं। अब यहाँ पे एडस्टेरा ऑल अर्निंग मेथड्स, हमने एक सब हेडिंग दी है कि जो है एडस्टेरा से पैसे कमाने के नीचे दिए गए हैं जो वो इतने मेथड्स हैं कि जिनसे पैसा आप कमा सकते हैं। पहला डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट लिंक शेयर करके, जैसे यहां पे हमने हेडिंग दे दी, फिर इसके बारे में बता दिया कि डायरेक्ट लिंक किस तरीके से काम करता है क्या है, फिर नेटिव एड्स किस तरीके से काम करते हैं क्या है वो, डिस्प्ले एड्स सबकी अलग अलग हमने जो है पार्टिकुलर हेडिंग जो है सबकी बना दी है। इस तरीके से पुश नोटिफिकेशन है उसके बारे में बता दिया है, बहुत सी वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया होगा, आपको बगल में से ऐसे नोटिफिकेशन निकल के आता है, कोई एड्स आते हैं उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर आपको कर देता है वो, उस तरीके से जो है पुश नोटिफिकेशन इन पेज पुश एंड इसके बारे में सोशल बार जो आपको पोस्टर टाइप का एक जो है एड्स दिखता है बहुत से वेबसाइट पर वो, उसके बाद में वेब पुश नोटिफिकेशन एंड उसके बाद में उसके बारे में कुछ और बता जैसे बता देंगे सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद में कि एडस्टेरा क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, मोनेटाइजेशन ऑप्शंस वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो भी पोस्ट आप लिख रहे हैं उस रिलेटेड आपको काम करना है। फिर अब बेनिफिट्स हमने यहाँ पे बता दिए, बेनिफिट्स में मेन हेडिंग देनी है, आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके हेडिंग्स को जैसे नॉर्मल टाइप करेंगे आप, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे अगर आपको ये हेडिंग है हेडिंग बनानी है तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इसको नॉर्मल पे कर रखा है, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं देखो, फिर इसको बोल्ड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो सिंपली अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, रिटर्न इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप हेडिंग बना सकते हैं। अगर आपको इसको जो है मतलब कलर चेंज करना वर्ड्स के, तो इस तरीके से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, टेक्स्ट कलर का ए नाम से एक सिंबल दिख जाएगा एंड इसमें कलर टेक्स्ट कलर लिखा है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली अपनी हेडिंग्स का। एंड उसके बाद में मेन हेडिंग है, फिर सब हेडिंग्स है, इस तरीके से आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, और आपका आर्टिकल इतना क्लियर होना चाहिए जब भी आपसे आपके आर्टिकल पे कोई बंदा आए उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो ज़्यादातर टाइम है जो आपके आर्टिकल पे स्पेंड करे। एक आर्टिकल का आपका, अगर एक आर्टिकल आपका उसको अच्छा लगा तो हो सकता है वो किसी और आर्टिकल पे भी रिडायरेक्ट हो एंड वहाँ पे जाके भी टाइम स्पेंड करे, वहाँ पे जैसे ही टाइम स्पेंड करेगा दोस्तों वहाँ पे भी आप पैसा कमा सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ यहाँ पे बगल में, जहाँ से आप मतलब कि वो कर सकते हैं अपना जो है। अब आ गया एसईओ मैन कहाँ पे, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉगर में ओनली कुछ ही ऑप्शंस एसईओ के मिलते हैं, वर्डप्रेस में एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको टैग्स वगैरह का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे आप सर्च डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जैसा जो चीज़ आप लिख रहे हैं जिस पॉइंट पर या फिर टॉपिक पर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं वो हेडिंग का या फिर उस हेडिंग का कुछ पार्ट यहाँ पे सर्च में डालेंगे तो आपको नीचे बहुत से ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मच डज एडस्टेरा पे पर क्लिक, कि एडस्टेरा पर क्लिक पे कितना पैसा देता है, पर एड पे कितना पैसा देता है। तो इन तरीके की चीज़ों को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जितने भी आ रहे हैं सबको कॉपी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको और मैंने बताया था पीपल आल्सो आस्क, तो इन सब चीज़ों को भी कॉपी करके आप एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, जैसे कोई भी बंदा इन चीज़ों से रिलेटेड आपके जो है अपने ब्लॉग पोस्ट को सर्च करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक करे। इस तरीके से आप जो है एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है ब्लॉगर के बारे में, ब्लॉगर को सेटअप किस तरीके से करें, क्या कुछ करना है उनके ऊपर, वैसे तो मैंने वीडियो बना के रखी है पर आपको एक पार्टिकुलर वीडियो चाहिए, अच्छे से इन चीज़ों के बारे में जानना है एंड किस तरीके से कैटेगरी सब कैटेगरी एंड पेज बनाते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी। एंड नेक्स्ट ही हम जल्दी ही एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर पे कॉपी पेस्ट करके ब्लॉग लिखेंगे एंड वहाँ पे रिजल्ट दिखाएंगे किस तरीके से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को जो है रिजल्ट मिला है उनके कुछ वेबसाइट रिव्यू करेंगे एंड और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।